नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश शर्मा सीकर संदेश से। दोस्तों, ऐसे तो आप सभी जानते हैं कि पिछले 10-12 वर्षों में सीकर ने कितनी तरक्की की है। सीकर शिक्षा नगरी हो गया है, व्यवसाय के मामले में भी, रोजगार के मामले में भी काफ़ी तरक्की सीकर ने की है। कहीं पे बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो कहीं पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े शोरूम सीकर में आ गए हैं, बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, सब कुछ है। लेकिन आज भी कुछ समस्याएं सीकर में ऐसी बनी हुई है जो शायद मेरे जैसे लोग या मेरी उम्र के लोग अपने बचपन से देख रहे होंगे। उन समस्याओं में एक सबसे गंभीर समस्या जो है वो है सीकर से सालासर मार्ग पे, सीकर से निकलते ही जैसे ही पहला गांव आता है नानी, उस गांव में भरने वाले पानी की समस्या। ये सालों से हम देख रहे हैं कि इस जगह पे बरसात के समय में या सीकर के जो ड्रेनेज का, सीवरेज का जो पानी है वो इससे आता है और नानी गांव में आकर वो इकट्ठा होता है, यहाँ की फसलों को वो बर्बाद कर देता है, लोगों के घरों के बाहर तक वो पानी आता है। ये एक ऐसी समस्या है जिससे आज तक भी सीकर का प्रशासन, नगर परिषद हमें निजात नहीं दिला पाया है। अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि पिछले साल जो नवलगढ़ रोड का पानी था, गंदा पानी, उसे नगर परिषद ने एक नाले के द्वारा सीकर के फतेहपुर रोड पे वार्ड नंबर 1 में निकाला। उस वार्ड की बुरी हालत हम सब आपको पहले ही दिखा चुके हैं सीकर संदेश के माध्यम से। हमने प्रयास भी किए कि उसका जो निस्तारण है वो थोड़ा जल्दी हो, वो हुआ भी, लेकिन अभी भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का पूरा काम समय से नहीं होने की वजह से वो पानी बीहड़ के रास्ते अब पहुंच गया है सालासर रोड पे, जहां पे एक बार फिर से वो नानी ग्रामवासियों के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। नगर परिषद इस ओर ध्यान दे, उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे ये समस्या आज भी लोगों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस गंदे पानी की वजह से न केवल इंसानों को बल्कि प्रकृति, पशु पक्षियों को भी बड़ी समस्या हो रही है। यहाँ पूरे बीहड़ में पानी के होने के बावजूद भी पेड़ सूख गए हैं, यहाँ पे कुछ नई वनस्पति तैयार नहीं हो पाती। यही पानी जो है वो अगर नीचे ज़मीन में बैठ रहा है तो आसपास का जो पानी है वो भी दूषित हो रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं इस पानी की वजह से, जिनमें पानी भरा रहता है, तो कुछ पशु भी उसमें अक्सर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके भी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है उनको भी। इसके अलावा यहाँ पे जो गंदा पानी है, इसकी बदबू आसपास के इलाकों में फैल के उन लोगों के भी बड़ी समस्या पैदा कर देती है कि उनका आम जो दिनचर्या है वो उससे बड़ी प्रभावित होती है इस गंदे पानी की वजह से। इसके बारे में हमने स्थानीय निवासियों से भी बात की, आइए जानते हैं उनसे कि उनको किस तरह की तकलीफें हो रही है इसकी वजह से। मैं विकास प्रचार सबुरपुरा से, मैं ये बताना चाहूँगा जो आपके सामने ये दिख रहा है गंदा पानी, ये कंटिन्यू 3 साल से आ रहा है, प्रशासन इसके ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पहले तो ये बरसात के टाइम आता था, अब ये बगैर बरसात के ही ये पानी आम रास्ते पर आ जाता, जिससे आमजन परेशान होते हैं, किसानों के फसलों से पानी से फसलें बर्बाद हो रही हैं, प्रशासन हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमने कलेक्टर साहब को 3 बार अवगत करा दिया, फर्स्ट टाइम SS सोता जी थे जिला कलेक्टर, तो हम उनसे भी मिल गए, उन्होंने भी हमें आश्वासन दे दिया। फिर हम सोनी साहब से मिल गए, उन्होंने भी हमें आश्वासन दे दिया। हम पिछले 6 महीने पहले भी हम मिल के आए थे, तो भी हमारी ओर कोई ध्यान तो दे नहीं रहा है, प्रशासन तो नींद में सो रहा है। हम अपने सभापति जी से भी मिल के आए थे, हमारा जो ये गंदे पानी की वजह से देख रहे हो आप, नहीं तो आने जाने में बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है, आगे जाके ये हमारे खेतों में पानी घुस जाता है। ये हम लोग यहाँ सोचता रख रहे हैं तो ये शहर के लोगों का गंदा पानी हमारे खेतों में क्यों घुसा जा रहा है, इसकी ओर जिला प्रशासन ध्यान दे। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ स्थानीय निवासियों को परेशानी हो रही है इस पानी की वजह से। नगर परिषद ने हाल फिलहाल में इस समस्या से निपटने के लिए जहाँ से पानी आ रहा है बीहड़ में से, उसके बीच में मिट्टी की एक दीवार बना दी है ताकि पानी एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं आ पाए और वो पानी सड़क तक नहीं पहुँचे। लेकिन फिर भी हम नगर परिषद और जिला प्रशासन से अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इस समस्या पर ध्यान दें और जितना जल्दी हो सके इस समस्या से स्थानीय निवासियों को निजात दिलाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या आपको सीकर संदेश के, सीकर को बेहतर बनाने के प्रयास अच्छे लग रहे हों, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप हमारे पेज को फॉलो करें, आप हमें यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और दोस्तों को भी हमारे बारे में बताएं, ताकि हम सीकर के लिए और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकें, सीकर की बेहतरी के लिए काम कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। खम्मा गणी।